हेलो पाइसेस, तो जान लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज़ लव लाइफ में। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लव लाइफ। ओके, अब यहाँ पर देखा जा रहा है, सबसे पहला कार्ड आया है पाइसिस। थोड़ा सा जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोनली महसूस कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, एंड शायद से उनके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ना आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। बट नो नीड टू वरी पाइसिस, बिकॉज रीडिंग में दिखता है आने वाले 30 दिनों में फिर से आप लोग के बीच में पैशन कंपैशन आता हुआ दिख रहा है, अट्रैक्शन बढ़ती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर मे बी सेट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, स्टार्टिंग के 10 दिनों तक रहेगी, उसके बाद में धीरे धीरे बेहतर होगा। लेकिन 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 ये द सन के कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर आपको अपने ईगो पर या अपने आपके पार्टनर को अपने ईगो के ऊपर काम करना होगा। अगर ईगो में फंसे रह गए, तो जैसे ये दो लड़का लड़की दूर है ना, और बीच में सन बना हुआ है, विच मीन्स ईगो, ठीक है। हमारा ईगो हमें कह रहा है कि नहीं यार, मैं पहले बात नहीं करूँगा, उसकी गलती थी, या छोड़ो ये बार बार हो गया, बात नहीं करनी ना। छोटी छोटी बातों के हम ईगो लेके बैठ जाते हैं, तो ये सारे पैटर्न के ऊपर काम करना होगा, तब रिश्ता अच्छा हो सकता है। बिकॉज थोड़े से यहाँ पे स्टबन एनर्जीज देखी जा रही है, बट खैर बैलेंस करना होगा। ये जो कार्ड है, यहाँ पे लड़का मनाने की कोशिश कर रहा है, लड़की नो ऐसे मुंह बना कर है कि मुझे बात नहीं करनी। थोड़े से टैंट्रम्स, नखरे आपके पार्टनर दिखा सकते हैं, एंड आपको लगेगा कि यार प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट पता नहीं एटीट्यूड किस बात का है, क्यों इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। सो पाइसिस को ये चीज़ इरिटेट कर सकती है, बट इरिटेट करते हुए भी आप फिर से एफर्ट लोगे कि बातचीत हो। तो ये एक पैटर्न नेक्स्ट 30 डेज़ में रहेगा, लेकिन डेफिनेटली नो मैटर व्हाट, कितनी भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आए, आपके पार्टनर स्टिल आपके साथ रहते ज़रूर हैं। शायद एक्सप्रेस कम करते हैं, कनेक्टिविटी कम दिखाते हैं, बट आपके पार्टनर भी आपके साथ रहना चाहते हैं। आप ये नोटिस करोगे कि जब आप अपने पार्टनर को अटेंशन देना कम्प्लीटली बंद कर देते हो ना, कि बस हो गए तुम्हारे नखरे, अब हम इसके आगे कुछ एफर्ट नहीं डालेंगे, फिर वो ज़रूर आगे आ जाते हैं करने के लिए, नहीं 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 ठीक है ठीक है, आई एम टॉकिंग, मैं बात करना चाहता हूँ, फिर आपको क्या बहुत अटेंशन दे रहे हैं, फिर आप जब अवेलेबल हो जाते हो तो फिर से गायब हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना वो एटीट्यूड गेम चलती रहती है, चाहे मैरिड हो रिलेशनशिप में, आई डोंट नो, पर ये पैटर्न मुझे नेक्स्ट 30 डेज़ में होते हुए दिख रहे हैं। शुरुआती दिनों में आपको लोनलीनेस, अकेलापन महसूस हो सकता है, बिकॉज यू विल फील कि यार जब मुझे ज़रूरत है मेरे पार्टनर की, वो अवेलेबल नहीं है, एंड जब उन्हें होती तो मैं हूँ। तो ये थोड़ा सा ना दूरी वाला पैटर्न, लोनलीनेस आपको महसूस हो सकती है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर, हीलिंग, एंड आपके पार्टनर की कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट 30 डेज़ तक। एंड ये कन्फ्यूजन क्या है, वही कन्फ्यूजन कि यार मैं बात करूं कि नहीं करूं, या जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों की बातों में, या बात करना चाहते हैं बट करनी नहीं है, थोड़े टाइम करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। एंड ये सब थोड़ा ना पैटर्न आपको काम करना होगा। इनफैक्ट आपको क्या, आपके पार्टनर को काम करना होगा, ये समझना होगा कि यार रिलेशनशिप में हम न्यूट्रल भी रह सकते, हर समय एक्सट्रीम लव या एक्सट्रीम दूरी बना लो, यही पैटर्न नहीं होना चाहिए रिश्ते का, एक शांति पीस भी रहना चाहिए। अब पाइसेस इतना एफर्ट डाल डाल के इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है थक भी गए हैं, और इसके लिए आपके लिए हीलिंग कार्ड्स भी आए हैं। इट्स टाइम कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आप अपने आप को हीलिंग दो, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग के 10 डेज़ में इस प्रकार से लोनली फील करोगे, इट्स वेरी गुड कि आप अपने लिए टाइम निकालो, आपको क्या चीज़ खुशी दे रही है, हैप्पीनेस दे रही है, हर टाइम आपके पार्टनर को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर समय उन्हीं के बारे में मत सोचिए, बिकॉज ये चीज़ आपको और ज़्यादा कमज़ोर बना रही है, और आपके पार्टनर आपको और ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं पाइसेस। तो ये चीज़ों के ऊपर आप ना अपनी ज़िंदगी को भी थोड़ा सा निखारिए, एंड खुद के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वेरी सून अगर आप सिंगल भी हैं, पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो यस दिखता है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में बहुत जल्द आता हुआ दिख रहा है ना। विथ दैट, अगर रिलेशनशिप में फाइट्स एंड प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, आप चाहते हो रिकन्सिलेशन हो जाए, तो जैसे मैंने कहा रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी दिखी है, चांसेस हैं, थोड़े टैंट्रम्स नखरे दिखाएंगे, बट स्टिल रिकन्सिलेशन की होप बनी हुई दिख रही है रिश्ते में। यहाँ पर भी आया कि बहुत जल्द
रिकन्सिलेशन के चांसेस है, बट यहाँ पे देखो लिखा है ना क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी होगी आपको और आपके पार्टनर को कि भैया ईगो बड़ा या हमारा प्यार बड़ा, यू नो गलती बड़ी या माफ़ी बड़ी, तो ये थोड़ा समझना होगा, दोनों को चूज़ करना होगा तब ये रिश्ते में यू नो सुधार पॉजिटिविटी आप ला पाओगे और निभा पाओगे। एंड थ्रू दिस ज़रूर अपने आप को हीलिंग देना, अपने लिए वक्त निकालो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो एंड कम्प्लीटली अपनी लाइफ को पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ, ये चीज़ रिश्ते को कमज़ोर कर रही है और आपके पार्टनर के नखरे बढ़ा रही है। तो बैलेंस रखो रिश्ते में, दोनों की इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दोनों की इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए, इक्वल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी उस रिश्ते का मतलब है, नहीं तो धीरे धीरे फिर वही रिश्ता टॉक्सिक बन जाता है। इट्स बेटर कि टेक अ स्टैंड, स्पीक अबाउट इट, अच्छा माना जाएगा। ओके पाइसेस, तो ये थी आप लोग के लिए एडवाइस इन रीडिंग, आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।